सन ऑफ बिहार के नाम से चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप इन दोनों खूब चर्चाओं में है। दरअसल मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हिंसा मामले को लेकर एक वीडियो साझा किया था, जिसे पुलिस ने फेक बताते हुए मनीष के खिलाफ FIR दर्ज की थी और आज मनीष ने सरेंडर कर दिया। चलिए बताते हैं कि आखिर कई दिनों से ये चर्चाओं में क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, मैं हूँ आपके साथ रागिनी सिंह। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल होते देखे गए, जिसमें दावा किया गया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई की जा रही है और उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। इन वीडियोस के सामने आने के बाद दोनों राज्यों के बीच काफी तनाव हो गया। हालांकि जब जांच कराई गई तो इन वीडियोस के फेक होने का मामला सामने आया। इन वीडियोस को वायरल करने और इन पर अलग तरह से रिपोर्टिंग करने वाले मनीष कश्यप को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, या फिर यूं कहें कि मनीष कश्यप ने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल मनीष कश्यप अपने YouTube चैनल से बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों का वीडियो शेयर करते हैं। इसी बीच हाल में ही मनीष ने तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हुए हिंसा मामले को लेकर भी एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा किया था, जिसके बाद से मनीष काफी चर्चाओं में है। विवादास्पद यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आज सुबह बिहार पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये जानकारी बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने दी। मामला दर्ज होने के बाद से ही पटना और पश्चिमी चंपारण पुलिस के साथ आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU की 6 टीमें लगातार मनीष के ठिकानों पर दबिश दे रही थी। इसी क्रम में आज पुलिस प्रशासन की टीमें मझौलिया थाना के महना डुमरी गाँव में मनीष कश्यप के घर पर कुर्की जब्ती करने पहुंची थी, जिसके डर से यूट्यूबर ने बेतिया के जगदीशपुर थाने में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। खैर, हमने खबर की शुरुआत में बात की थी सन ऑफ बिहार की। मनीष कश्यप खुद को सन ऑफ बिहार कहते हैं और सोशल मीडिया पर ये नाम भी लिखते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि मनीष कश्यप असल में त्रिपुरारी कुमार तिवारी हैं। मनीष तिवारी होकर अपने नाम के पीछे कश्यप लिखते हैं, ऐसा क्यों है ये तो अब तक नहीं पता चला है। मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी न सिर्फ विवादों में घिरे यूट्यूबर हैं, बल्कि सिविल इंजीनियर भी हैं और साथ ही नेता नगरी में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। मनीष ने 2016 से पुणे में इंजीनियरिंग की थी, इसके बाद वो बिहार आ गए। मनीष ने 2020 में बिहार के चनपटिया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, जो वो हार गए और उसके बाद वो यूट्यूबर बन गए। और मनीष इससे पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं। मनीष के कई वीडियो विवादित रहे हैं, उन पर कथित तौर पर आरोप है कि वो स्क्रिप्टेड तरीके से चीज़ों को अपने यूट्यूब पर पेश करते हैं, लेकिन मनीष का कहना है कि उनके खिलाफ जानबूझकर ऐसा किया जाता है। विवादों के साथ मनीष कश्यप के कई बड़े लोगों के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इसमें बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े लोग, नेता, IAS PCS अधिकारी से लेकर कई बड़े दिग्गज लोग शामिल हैं। तमिलनाडु में बिहार मजदूरों की हत्या मामले में जब यूट्यूबर पर FIR दर्ज की गई तो मनीष ने बिहार सरकार पर कई आरोप लगाए और साथ ही डिप्टी CM तेजस्वी यादव को चैलेंज भी कर दिया कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो 180 दिनों में सरकार गिरवा देंगे। बता दें कि EOU ने प्रेस रिलीज जारी कर मनीष कश्यप के बैंक खातों को फ्रीज भी किया था। मनीष कश्यप के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता के सबूत भी मिले थे, जिस पर फिलहाल जांच चल रही है। मनीष को इस मामले से पहले तक पत्रकार मनीष कहा जा रहा था, लेकिन अब यूट्यूबर मनीष कश्यप बोला जा रहा है। बहरहाल मनीष कश्यप के फेक वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर तमिलनाडु और बिहार के लोग आपस में भिड़ गए हैं। तमिलनाडु के लोगों का कहना था कि बिहारी उनके खिलाफ प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, तो वहीं बिहार के लोगों का कहना था कि तमिलनाडु के लोग उनका दमन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप की वजह से हंगामा बरपा है। अब सरेंडर के बाद बिहार पुलिस ने ट्वीट किया। बिहार पुलिस ने लिखा, तमिलनाडु में कामकाजी बिहार के निवासियों के लिए असत्य, भ्रमक और उन्माद फैलाने वाले वीडियो को प्रसारित करने और आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या तथा अभियुक्त मनीष कश्यप ने बिहार पुलिस और EOU की दबिश के कारण बेतिया के जगदीशपुर थाना में आत्मसमर्पण किया। अब देखते हैं कि इस विवाद में आगे क्या मोड़ आता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आज की खबर।